गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। राधे राधे, हरे कृष्णा, कैसे हो आप सब। सो फाइनली आज हम लोग, अरे बाबू ते अजून आहे ते प्रोजेक्टचे पेपर्स प्रिंट आउट काढले। तो कल हम लोग जो जाके प्रिंट आउट, एक तो गर्म भी इतना हो रहा है ना, प्रिंट आउट लेकर आ गए। मेरे इतने सारे प्रिंट आउट से जो मुझे कटिंग करके स्टिक करना है और थोड़े बहुत पेजेस पे लिखना बाकी है। तो आज मैंने सोचा मैं पूरा काम खत्म करके सानू के साथ अभी प्रोजेक्ट करने बैठूंगी। तो अभी कितना बज रहा है, 12:15 बज रहा है। सारा घर का काम खत्म कर लिया और अभी फाइनली हम दोनों नहा के फ्रेश होके बैठ गए। अभी ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म किए बिना हम लोग यहाँ से उठने वाले हैं नहीं, क्योंकि कल लास्ट डे है, मतलब कल सबमिट करना ही है। हाँ, का इधर ठेवायला। और आज है रक्षाबंधन, तो आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। आई एम श्योर आप सबका भी आज का डे बहुत अच्छा, बहुत स्पेशल गया होगा, क्योंकि ये ब्लॉग तो ऑब्वियसली कल आएगा आप लोग के पास। कहाँ रहो? तो अभी मैं भी जाऊँगी शाम को मम्मी के घर पे, क्योंकि मेरे भाई को आज छुट्टी नहीं है, काम पे गया है, वो ऑफिस गया है। हमको है, सानू को छुट्टी है, स्कूल वालों को तो छुट्टी है। हाँ, क्योंकि सानू फ्राइडे स्कूल नहीं गई थी, तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे चार दिन हो गया ना। लोग फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे थर्सडे गए ले ली, फ्राइडे नहीं गई। हाँ, सॉरी बराबर, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 5 दिन। देखो बच्चे कितने शार्प होते हैं, ये सारी चीज़ें उनको बराबर याद रहते हैं, बाकी का जो सिखाते वो तो याद रहता नहीं है सानु को। तो ये कैसा बराबर याद है, देखो मेरे को बोल रही मम्मा 5 दिन आया। हाँ, उसको 15 अगस्त का छुट्टी था, तो फिर उस दिन बुखार आया था, तो हम लोग ने डिसाइड किया तो फ्राइडे उसको नहीं भेजेंगे, तो बराबर 5 दिन हो गया। मैं फ्राइडे से काम कर रही थी, तो मैं शाम को जाऊँगी। और नमिता ताई तो है नहीं, शी इज इन कैनेडा राइट नाउ, आप लोगों को सबको पता है, तो ताई तो ऑब्वियसली आ नहीं पाएगी। वेदू से मैंने कल बात किया था, तो वो अभी उसका कॉलेज, पार्ट टाइम जॉब, बाकी क्या क्या एक्टिविटीज है, तो वो भी बेचारा बहुत बिजी है अपने लाइफ में। तो इवनिंग ही वॉज गोइंग टू कम हियर, तो मैंने बोला यहाँ आने से अच्छा तो वहीं पर आ जा, क्योंकि वहीं पर वही सेम सोसाइटी में उसकी आजी का घर भी है, तो वहीं पर आ जा डायरेक्ट, तो वहीं हम लोग सब मिलेंगे साथ में और वहीं पर रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर देंगे। तो देखते पूरा दिन कैसे जाता है। फिलहाल तो सानू का प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट करते हैं, इसमें इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स, ईवीएस एंड कंप्यूटर, छः सब्जेक्ट के ऊपर, 6 टॉपिक के ऊपर दिया हुआ है, तो उसके बेसिस नोट्स कटिंग करना है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने सानू ने लिया एक शॉर्ट ब्रेक, सानू क्या खा रहे? प्योर मैजिक ब्रिटेन है, प्योर मैजिक चॉकलेट, ये सानू को बहुत पसंद है, मैंने सानू बहुत खाती है ना, मुझे पता है बहुत खा रही थी। तो एक बार उसको गिफ्ट मिला है, पूरा बॉक्स मिला है, मेरी जो मौसी है ना उन्होंने दिया था, और वेफर का पैकेट दिया। सानू गई आप लोगों को दिखाने के लिए, कल आता जी मैं अंदर थी तभी दिखा नहीं पाई रही छूटने की, तभी उसको बोल दिया अंदर चले। और कल उसको जो सेट मिला था मेरे दोस्त में, वो ग्लास है, बाउल है, स्पून है और फोक है, प्लेट और प्लेट है, हाँ प्लेट भी है। एक्चुअली सानू को बस फ्रूट कलर मिला ब्लू, आर्या को भी मस्त ग्रीन कलर मिला, और सानू को उसका फेवरेट ब्लू कलर मिला, और उसमें प्रिंट कितना सुंदर ले रही हूँ। ये मेरा भाई दुबई से लेकर आया है, तो ये और उसका मिला ये चॉकलेट का पैकेट, तो सब सानू खोल के बैठ गई है। इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली ना खजूर है, पहले चॉकलेट का कोटिंग है, फिर खजूर है, और फिर रोस्टेड आलमंड है। तो सानू को पता नहीं था इसमें खजूर है, उसने ओपन किया, जैसे बाइट किया तो उसमें खजूर निकला, उसे छोड़ दिया, तो मैंने वाला खा लिया। दुबई में तो खजूर फेमस ही है, तो सब चीज़ में वो मोस्टली चॉकलेट्स में खजूर ही यूज़ करते हैं, बट इट्स वेरी नाइस। ये एक्चुअली वेज है, तो मैं सबसे पहले वही देखा था कि आज मंडे है, मैं नॉनवेज नहीं खाती, तो क्योंकि बहुत सारे जो आउट ऑफ कंट्री वाले चॉकलेट्स होते हैं उसमें एग होता है या एग वाइट होता है, तो इसे मैं पहले हमेशा देख के ही खाती थी, अब पहले से आता था, तो इसे पहले मैं इसको चेक किया, तो इसमें नहीं खाती थी, सुंदर है। इस तरह से अलग अलग पैकेट्स है उसके अंदर, तो अभी दो दोस्त सामने खोल दिया, एक वाइट चॉकलेट वाला, एक डार्क चॉकलेट वाला, टेस्ट अच्छा है। तो अभी वो ये लेकर आए कि पापा एक मैं खाती हूँ, एक आप खाते हुए,
बाद आगे तक कंटिन्यू करेगी, वो कटिंग करके और स्टिकिंग करके ही थक गई। हाँ तो मैं मस्त हो गई हूँ रेडी। मैंने ब्यूटीफुल सा लेमन ग्रीन कलर का कुर्ती पहन लिया है और आज फर्स्ट टाइम जीन्स के साथ पेयर अप कर लिया और सिंपल सा बेसिक मेकअप किया, सिर्फ ग्रीन कलर का लाइनर लगाया और न्यूड कलर का लिप कलर, क्योंकि दोनों डार्क लगाएंगे तो और दिखता है उस हिसाब से। तो आज गोल्डन ईयर रिंग विथ गोल्डन वॉच किया है, सिंपल सोबर लुक। बाल मैंने एक्चुअली ओपन रखा था लेकिन मुझे इतना गर्म हो रहा है, मैं बोला वहाँ जाके मैं ओपन कर लूँगी, अभी फिलहाल के लिए तो इतना यही ठीक है। सो चलो लेट्स गो एंड सेलिब्रेट रक्षाबंधन। हम लोग पहुँच गए महाराजा स्वीट्स थोड़ा सा मिठाई लेने। एक्चुअली मुझे वाइट कनकल लेना था लेकिन पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, ना मैंगो था ना कनकल था ना ब्राउन वाला था, तो फिर मैंने काजू कतली ले लिया और ये सब देखी इतना टेम्पटिंग लग रहा था ना, लेकिन मैंने ले लिया गर्मा गर्म समोसा, क्योंकि ढोकला ख़त्म हो चुका था, समोसा का ही ऑप्शन था और गर्म गर्म था, तो सबके लिए समोसा ले लिया। उसके बाद हम लोग पहुँच गए घर। तो यहाँ पे आर्या, जैसे मैं कैमरा ऑन कर देती हूँ वो तो पूरा नीचे ही देखते रहते, ऊपर देखने में इतना शर्माती है, उसको बिना बताए अगर शूट हो जाए तो हो गया, बट अगर उसको एक बार पता चले कैमरा ऑन है फिर तो वो मतलब मूड में रहेगी तो ही देखती है। तो वेदु भी यहाँ पे पहुँच गया और हम लोग ने यहाँ पे प्लेट पूरा रेडी कर दिया और यहाँ पे आर्या दीदी का भी राखी आ चुका है कनाडा से, तो वो सानू ही बांधेगी क्योंकि आर्या तो अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे अगर वीडियो कॉल कनेक्ट हो गया तो करेंगे। और सानू को मैंने चेंज करा दिया, रेडी कर दिया, तो कितनी क्यूट सी दिख रही है और बहुत एक्साइटेड है वेदु दादा को राखी बांधने के लिए। जन्मेश दादा को तो हम लोग जब गणपति में जाएंगे तभी बांधेंगे, अभी फिलहाल ये हम लोग ने आर्या से वीडियो कॉल किया तो कनेक्ट भी हो गया तो उससे बात कर लेते हैं। कहीं तिकड़े दिवस चाल अट आम तो रात्र है मॉर्निंग वॉकला आली ओके। तबियत कशी है? यहाँ पे सानू ने दोनों राखी बांध ली, आर्या दीदी का भी और अपना भी, और ताई ने वेदु के हाथ में निशु के लिए भी राखी भिजवा दिया है। तो मेरा भाई भी आ गया ऑफिस से, तो अभी मैं मेरे भाई को राखी बांध के लेती हूँ। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ भाई बहन की रक्षा करता है, बहन बहन भी एक दूसरे के, सिस्टर सिस्टर भी एक दूसरे की रक्षा कर सकते, तो ये दोनों बहन एक दूसरे को राखी बांध रहे। आर्या को छोटा भीम वाला राखी बांध रही है सानू, तो सानू तो आर्या इतनी खुश हो रही थी कि हाँ उसको भी राखी बांध रहे। बच्चे हैं ना अभी इतना नहीं समझता है, शी इज़ वेरी स्मॉल। तो उसके बाद आर्या ने भी सानू दीदी को राखी बांधा, एक दूसरे को मिठाई खिलाया और रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया, एन्जॉय किया। सिस्टर बॉन्ड, सिस्टर लव जो बोलते हैं ना, भाई बहन का प्यार वैसे ही, सिस्टर सिस्टर का प्यार भी वैसे ही होता है, बस प्यार होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। दीदी पहले हो दे वीडियो बना दे। एक दूसरे को रक्षा करने का, ठीक है ना। बाद हम लोग को घर भी वापस जाना था तो सानू को और आर्या को खाना दे दिया के पहले बच्चे खा ले, उनको भूख लगा था, सानू को भूख लगा था, फिर मैंने भी खाना ले लिया। तो यहाँ पे मस्त बनाया था फुलका
और ये आलू का फतफता जो था ना वो वाला ड्राई भाजी बनाया था सिंघदाना डाल के, और मेरा फेवरेट राजमा बना था तो मैं बहुत खुश हो गई थी देख के, और सैलेड था, राइस था और सेवई का खीर था, मिठाई था। तो बहुत अच्छे से हमारा रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो गया, बहुत अच्छा लगा, और डिनर करके हम लोग आ गए घर पे। सो वी रीच्ड होम, आई होप आप लोग ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। इफ़ यस तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी मैं जाके पूरा फेस वॉश करी क्योंकि बहुत स्टिकी स्टिकी हो गया है गर्मी की वजह से, और ईयरिंग भी चेंज कर देती हूँ। मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना। राधे राधे, हरे कृष्णा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड नाइट।